अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फरी आइडियाज। आज स्टिचिंग क्लास के दूसरे लेसन से शुरू करते हैं। पहला लेसन कंप्लीट हो चुका है और जिन्होंने मेरी वीडियोस नहीं देखी वो स्क्रीन पर ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन पर भी उसका लिंक डाल दिया है मैंने, जाकर ज़रूर देखें। वो भी बहुत बेसिक पॉइंट था, सब आप ज़रूर उसको भी देखें और फिर दूसरी क्लास को आप ज़रूर देखें। अभी जो दूसरी क्लास है वो क्लास ये है कि आपकी परफेक्शन, आपकी प्रैक्टिस, प्रैक्टिस आपने कैसे करनी है जो बिल्कुल न्यू होते हैं स्टिचिंग में, जो बिल्कुल न्यू लोग होते हैं उनके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। उसके लिए आप अखबार, ब्राउन पेपर्स, किसी भी पेपर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको बहुत कम वक्त में बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवा सकता है, बजाय इसके कि आप फौरी तौर पर कपड़े पर शुरू हो जाएं। अच्छा जी, ये मैंने अखबार भी ली हुई है और उसके अलावा एक पेपर मैंने सामने रखा है। आपने पेपर लेना है ब्राउन पेपर, स्टेशनरी वाली शॉप से आपको मिल जाएगा, 6-7 रुपए का ये पेपर है। चंद पेपर्स में आपकी परफेक्ट प्रैक्टिस हो जानी है और आप फिर कपड़े पर कभी भी मिस्टेक नहीं कर सकते। पहली बात ये कि जिनको शौक़ है उनके लिए तो ये काम बहुत आसान है, और जो करना चाहते हैं, यानी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको थोड़ा शौक़ नहीं होता लेकिन वो करना भी चाहते हैं, उनके लिए ही बना हुआ है कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में। हर चीज़ में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है जी, आपको हर काम से पहले प्रैक्टिस करना लाजमी है। पेपर मैंने इसीलिए सामने रखा है कि आपने एक पेपर लेना है, घर में फारिग बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं कर रहे, बस यूँ स्टिल आप बैठे हैं नीचे, पेपर अपने सामने रखें और आप अपनी मर्ज़ी से उसके ऊपर लाइंस लगाना शुरू करें। अपनी प्रैक्टिस के लिए आपने इस तरह उसके ऊपर लाइंस लगाना शुरू करनी है। मेरी तो काफ़ी अरसे बाद मैं ये पेंसिल और पेपर यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा बहुत मेरा हिल रहा है पेन, लेकिन आपका स्टार्ट में बहुत हिलेगा, बहुत आपने ऐसे करना है कि बस जब अपनी परफेक्शन के लिए सीधी लाइन जब आपने लगानी है तो आपने अपनी लाइन को सीधा करने की कोशिश करनी है। बस किसी भी तरीके से मार्कर सीधा रखें, उल्टा रखें, आपने अपनी लाइन को सीधा करने की कोशिश करनी है। ये पहला पॉइंट हो गया। जब इसका मकसद क्या है, इसका मकसद ये है कि जब आपका हाथ बैठ जाएगा, आप अगर पेन से सीधी सिलाई लगा रहे हैं तो आप तो मशीन से लगाने का कोई मसला ही नहीं होगा, आपको कभी भी कोई टेंशन नहीं होगी। पहला काम तो आपने ये कर लिया, ये आपका फ्री हैंड वर्क है, ये सबसे पहली क्लास आपकी है, इसको बहुत ज़रूरी है करना। फ्री वर्क, फ्री हैंड आपने ये अपना काम करना है। उसके बाद स्केल आपने लेना है, स्केल की मदद से आपने अपनी लाइंस लगानी शुरू करनी है। स्केल पकड़ना है और स्केल को आप रखें और उस स्केल की मदद से आपने लाइंस लगानी है। काफ़ी सारी लाइंस जब आप अपने पेपर पर लगा लेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस आपने लगानी है, कोशिश करनी है कि आपकी लाइंस बिल्कुल सीधी हों, इस तरह। ये आपकी आ गई दूसरी प्रैक्टिस। नंबर वन प्रैक्टिस आपकी फ्री हैंड है, ये आपकी दूसरी प्रैक्टिस आ गई। जब आपने ये वाली प्रैक्टिस करनी है तो उसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो स्केल पर लगी हुई लाइंस है ना, इन्हीं पर आपने सीधी सिलाइयाँ लगानी हैं। कोशिश करना है कि इस लाइन से आपकी सिलाई ना इधर जाए ना इधर जाए, तब आपकी सिलाई बिल्कुल सीधी हो सकती है और आप कपड़े पर भी बिल्कुल सीधी सिलाई लगा सकते हैं। अच्छा जी, जो तीसरा हमारा मेथड है वो ये है कि आपने कोई भी पेपर लेना है, ब्राउन पेपर ले लें, न्यूज़पेपर ले लें, कुछ भी अगर आप लेते हैं तो उस पर फ्री हैंड सीधी सिलाई लगाना शुरू करें। ये आपने रखी मशीन, अब आप थोड़ा सा ना तरीकों को ज़रा नोट डाउन कीजिएगा, ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि मैंने आपको शुरू से फिर मैं बता देती हूँ। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि आपने इन दोनों धागों को हमेशा पीछे की तरफ करना है, फिर इसके बीच में कपड़ा रखना है, जो कपड़ा ज़्यादा वाला होता है ना उसको हमेशा साइड पर रखते हैं। इसी तरह आपने पेपर को भी रखना है, फिर यहाँ से धागे को हल्का सा लूज करके आपने हाथ की मदद से दो टांके उठाने हैं, उसके बाद आपने अपनी मशीन की स्पीड तेज़ करनी है। अच्छा, अब ये ज़रा हाथों के रुख को आप देखिएगा, ये हमारा स्टार्ट है, इसमें आपने फ्री हैंड सीधी सिलाई लगानी शुरू करनी है। जब आपका थोड़ा सा बैक पे कपड़ा आ जाता है फिर आपने यहाँ से कपड़े को पकड़ना है, इस तरह, बेशक पकड़े मत, सिर्फ ऊपर हाथ रख लें और अगले हाथ को इस तरह से रखें और आपने साथ साथ
फ्री हैंड सीधी सिलाई लगाने की कोशिश करनी है। कोशिश आपने करनी है कि बस सिलाई आपकी सीधी लगे। आप अगर मज़ीद ग्रिप करना चाहते हैं तो आप अपने दोनों हाथों को ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे। ये हो गई आपकी तीसरी प्रैक्टिस। आपने अपनी सिलाई बिल्कुल सीधी करने की कोशिश करनी है। आप एक दिन प्रैक्टिस करें, आप दूसरे दिन प्रैक्टिस करें, जितनी सिलाइयां लगा सकते हैं, 5 मिनट, हार्डली 5 मिनट की आपकी ये रोज़ की प्रैक्टिस है, और फिर आप देखिएगा कैसे आप अपना वर्क सीखती हैं। अगर आप स्कूल कॉलेजेस में जाकर सीखते हैं तो वहाँ पर ना यही सारे मेथड आपको करवाए जाते हैं। मैंने अभी घर में भी बहुत सारी लड़कियों को क्लासेस दी हैं, उनको मैंने यहीं से स्टार्ट करवाया। मैंने उनको डायरेक्ट कपड़े पर कभी भी नहीं लाया, जबकि आप किसी नॉर्मल अपने मोहल्ले में किसी आंटी या औरत या किसी के पास भी जाते हैं सिलाई सीखने के लिए, वो हमेशा आपको डायरेक्ट कपड़े पर ले आते हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर झिझक, आपको कटिंग का मसला, आपकी स्टिचिंग का मसला हमेशा आपके साथ रहता है। ये होती हैं बेसिक चीज़ें। अगर आप स्कूल कॉलेज से कोर्सेज करेंगे तो आपको हमेशा यही चीज़ें सिखाई जाएंगी। और बड़े बड़े जो डिज़ाइनर्स बैठे हुए हैं, कभी आप उनकी रूटीन देखिएगा, अगर सर्च कीजिएगा, उनका भी बेसिक काम यही होता है। वो कभी भी पेपर वर्क के बगैर डायरेक्ट कपड़े पर नहीं आते। अच्छा जी, 3 चीज़ें जो मैंने हैं आपको बता दी हैं, आपने इन पर प्रैक्टिस करनी है। फ्री हैंड लाइंस, स्केल से लाइंस, और मशीन की मदद से सीधी सिलाई। इसी के बीच में मैं आपको थोड़ा सा चौक यूज़ करने का भी मेथड बता देती हूँ। थोड़ा सा ये भी आपको मैं गाइड कर देती हूँ कि जब आप कपड़े पर किसी चीज़ की मदद से निशान लगाते हैं, बेहतर यही है कि आप ये टेलरिंग चौक ले लें। कुछ चीज़ें हैं जो 2-4 चीज़ें, वो भी मैं आपको बता दूँगी कि वो आपने हमेशा अपने पास रखनी है। अच्छा, निशान लगाने के जो तरीके हैं, सबसे पहले तो आपने ये देखना है ना कि आपका कपड़ा किस कलर का है, उस कपड़े पर कौन सा निशान सही तरह नज़र आ रहा है, कौन सा नहीं नज़र आ रहा, वो चीज़ें भी नोट डाउन करनी बहुत ज़रूरी हैं। निशान लगाने का अब तरीका क्या है, आपने बिल्कुल भी चौक को कभी इस तरह नहीं पकड़ना, और ना ही चौक को कभी इस तरह दबा के पकड़ना है ये चौक, वरना दरमियान से टूट जाएगा। हमेशा चौक को ऐसे पकड़ा जाता है, ये चौक का तरीका है। फिर जहाँ आप निशान लगा रहे हैं वहाँ पे आपने निशान लगाना है। हमेशा ये कॉर्नर्स बने हुए हैं इस चौक के, ये 4 कॉर्नर्स होते हैं। आप इधर से अगर निशान लगाते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, कॉर्नर्स यूज़ करें अगर तो वो ज़्यादा बेहतर है। आप ये कॉर्नर से निशान लगाना शुरू करें। किसी भी तरह का आपको निशान लगाना है, जैसे कि शोल्डर की कटिंग हो गई, आपने ये निशान लगाना है। थोड़ा सा जब आपने ये यूं किया, आपको यूं नहीं जाना, आपने जब ये यूं किया है तो फिर इसके बाद आपने यहीं से ऐसे निकल जाना है। चौक यहाँ से भी ये यूज़ हो रहा है, बस ये थोड़ा बहुत है कि आपने चौक को जो इस्तेमाल करना है, चौक का जो इस्तेमाल है, बस वो आपने ध्यान में रखना है कि आपका चौक टूटे ना, आपकी चौक को कोई मसला ना हो। अब ये है तो आपने यूँ नहीं उठाना चौक को, यहीं से आपने ऐसे हो जाना है। ये वी शेप आ गई, ये चकोर है अगर तो इसको यूँ करना है और यहाँ से यूँ हो जाना है। उसके बाद गोल है तो गोल को आपने ज़रा सा चौक को लटाना है नीचे, थोड़े से चौक को ऐसे नीचे की तरफ लटा के फिर अब आपने गोल शेप देनी है, ये इस तरह से। कुछ जगहों पर चौक आपका ऐसे यूज़ होगा, कुछ जगहों पर ऐसे यूज़ होगा, कुछ जगहों पर बस आपने ये है कि थोड़ा डार्क करने के लिए आप चौक को बार बार ऐसे भी कर सकते हैं। बस ये ख्याल रहे कि चौक टूटे ना, रफ ना हो, और बहुत ज़्यादा कोशिश करें चौक की। अब आपने फ़र्ज़ करें कि ये लाइन लगाई है, अब आप इसको डार्क करना चाह रहे हैं तो डार्क करने के चक्करों में आपकी लाइन इतनी ख़राब हो जाए कि आपको पता भी ना चले कि आपकी लाइन कौन सी है एग्जैक्ट। तो कोई ज़रूरत नहीं, आपको बस एक ही बार चौक को यूं करना है, जब आपको लगे आपको सिर्फ चौक को ऐसे करना है। फिर बेशक आप कॉर्नर मत यूज़ करें, आप चौक को ऐसे कर दें। ओके जी, आज की क्लास तो हुई ख़त्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।